Hi guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. So guys, चारू जबरदस्ती लेके जा रहे हैं इनको बालों में स्पा हेयर कट जो भी इनको देखना है इनका जो भी काम है हम वहाँ जा रहे हैं और मैं अपना काम करते हुए सिंसियरली मैं अपना काम करते हुए जा रही हूँ गाड़ी में एंड कर दिया थोड़ा बहुत खुशी ने कर दिया लेकिन मुझे थोड़ा बहुत करना है फिर ये फाइल मेरे को सेंड करनी है. सो यस गाइज अभी हमारा वहीं का प्लान है बाद में देखो क्या होता है. सो यस बाय बाय खुशी थोड़ा आराम से करिए मैं काम कर रही हूँ ट्राइंग टू वर्क हियर ओके. अभी देखा है ना कपड़ा गाड़ी के आगे गाइस अभी मेरा काम खत्म हो गया है. मेरे को लैपटॉप में करते करते ना काम गाड़ी में चक्कर आ गया. ज्यादा देर गाड़ी में फोन या कुछ भी यूज कर लो ना ऐसा तो मुझे गले में चक्कर आते बहुत ज्यादा. सो फाइनली मेरा काम हो गया और अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं कुछ भी पहन के आ गई. लोग इतना दोनों तैयार होकर आए मैं कुछ भी जो मेरे को हाथ लगा मैं वो पहन के आ गई एंड मुझे वैसा लग रहा है कि मैं क्यों आ गई बट ठीक है. तो गाइस हम कोई कैफे भी जाएंगे या बस तुम स्पा करा के मुझे घर ले जाओगे. ये बता कहाँ जाएंगे. नहीं जाएंगे कैफे नहीं जाएंगे. नहीं जो उस दिन ये बोल रही थी वहाँ जाने के लिए वहाँ चलते हैं ना. तू बोल रही थी कि तुम दोनों ने एक ही कैफे बोला था. यार ये क्या बात होती है तो कोई बात नहीं अब बोल रही ना मैं तो तुम्हारी बात कौन सुन रहा है. यार मम्मी वो अकेली है वो अभी आने वाले कपिल नहीं आएगा. माय डियर बॉयज कमिंग योर डियर बॉयज कमिंग तो तुम्हें फिर आना है तुम आए क्यों फिर आ जाते ही नहीं. मिनट्स में पहुंच रहे गाइस भीगते भीगते आ गए. क्या वो दिन है नहीं अंदर. अच्छा चलो तब पानी भर रहा है घर आगे. क्या कह रही चलो खुशी हम देख सकते हैं. So guys, खुशी के बाल दिखा आपने एक बारी. वो वही हेयर कट जो मेरा पहले था बस जो भी है बस उसको मैंने टच चारों ने तो कुछ करवाया ही नहीं है कराना होना ना होना एक बराबर है. सो गाइज अब हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग जा रहे हैं हाउस ऑफ मीगो राइट. तो जो यहाँ हाउस ऑफ मीगो जो यहाँ से 7 मिनट की दूरी पे है. 6 मिनट अभी 6 मिनट हुआ है. सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं हाउस ऑफ मीगो. सो गया 6 मिनट कि तुम लोग को गुमराह करती है 7 मिनट इन्फो देती है इसकी बात. 1 मिनट में तो हम बॉयकॉट कर रहे हैं. 6 मिनट्स एज यू गाइस कैन सी ये झूठ बोल रही थी. झूठी है ये मक्का पीछे बैठी है कैसा लग रहा है. फॉरेबी तुझे पीछे बैठ कैसा लग रहा है. अच्छा लग रहा है जैसा तुम्हें लग रहा था पीछे बैठ के. कुछ हो गया है बाल कटने के बाद. कितनी सुंदर सी जगह है हमको उधर जाना है हाउस ऑफ मीगो. अच्छा यार तो सुंदर से तो है नहीं चारू. सो गाइस हम लोगों ने ऑर्डर किया. सो चारू ने बोला कि दीदी बहुत ज्यादा हो गया. मैंने कहा ये मैं और खुशी अकेले मंगाते तू एक्स्ट्रा है चारू. हम से ये लोग बोलते हैं कि टेबल पर टू ही है ना. ऑर्डर करेंगे बेशक से पैक करा लेंगे बट ऑर्डर ऐसा लगता है कि मेन्यू में कुछ बचता यार सब कुछ ट्राई करना चाहिए. फिर घर पे तो है ही ले जाएंगे घर पे खा लेंगे सब. घर पे तो है ही. क्या हम घर पे जाके भी खा सकते हैं. हाँ हम घर पे जाते जाते भूख लग जाती है हम घर पे जाके भी खा लेते हैं. बट कितना सुंदर लग रहा है यार ये. वृद्धि क्या घर से कहते कितना तो पूरा
सो गाइज हमारा थोड़ा थोड़ा खाना आ गया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, एक बार ही फोटो लेंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट खुशी? सॉरी चाल स्टार्ट हम कर चुके हैं। हाँ मतलब थोड़ा सा साइड साइड से रुक जा, दो मिनट में आने वाला है। गाइस टाइम मुझे जाने बाकी है। चलो हट जाओ, तुम लोग तो बेकार हो। या तो चारू क्या हो गया? चारू शॉक्ड है। अभी इसको बोला कि इसके बाद हम लोग वो भी खाएंगे, क्या नाम लिया था मैंने, तिरामिसू। तो शी वाज लाइक व्हाट, खाएंगे ऑब्वियसली, हम खाते हैं ऑब्वियसली, हम डिनर के बिना उठते ही नहीं है। साथ में कॉफी एक और होगी, कुछ भी कर ले, अभी सैंडविच भी खाएंगे। एक और कॉफी आ रही है अभी, तिरामिसू। सो गाइस तिरामिसू एंड कॉफी एंड चारू। गाइस ये लोग पागल हो गए, सुन ना, दे कैन ईट, अभी भी बहुत कुछ खा सकते हैं गाइस। नो, ऐसा। सो गाइस हम लोग 34 मिनट्स में घर पहुंच जाएंगे, और 34 ये क्या मंत्र जाप कर रही है पीछे बैठ के, बाल खोल के। गाइस मेरी मम्मी दीदी कह रही है कि इतना सुंदर मौसम हो रहा है, और मैंने बोला कि मेरी सुंदरता पूरे मौसम में रेडिएट हो रही है, इसीलिए चल तू हंस रही है, मतलब बड़े वो सही बोल रही है, कुछ भी मतलब कुछ भी राइट। सो गाइस अब मौसम देखिए कितना अच्छा होता है, कह रही है कितना अच्छा है। गाइज कहीं भी अगर आप जाओ, किसी भी जगह खाने जाओ या घूमने जाओ, जब तक मजा नहीं आता, जब तक आपके साथ आपकी कंपनी अच्छी ना हो, मतलब मेरा आज का दिन हर दिन कंप्लेन करने के बाद फिर हमारे साथ मिलती है, मेरा आज का दिन ठीक था। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे? क्योंकि मैं अपने ग्रुप को मिस कर रही थी, बट ठीक है, अभी छोटी बहने ग्रुप के साथ ही आज तक इनके ब्लॉग उठा के देख लो, मुश्किल से 2-3 बार मिली होगी इनका जो ग्रुप जो करती रहती, ग्रुप इतना ही मजा आता जाया करना उनके साथ, फिर तो बिजी रहते ना, इनका ग्रुप ही इनके साथ नहीं आना चाहता, कुछ वो कोई बिजी नहीं रहता, वो बिजी रहते, कोई भी नहीं रहता, प्राची दी के अलावा कोई भी नहीं रहता, सब बिजी रहते शायद, और गाइस घर जाके मिलते हैं, शायद बू आ गई है, बाय। सो गाइस उन लोगों ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ये दी थी ब्राउनी, खुशी इन्होंने हमें क्यों दी थी कॉम्प्लीमेंट्री ब्राउनी? बिकॉज ऑफ आवर क्यूटनेस। आवर क्यूटनेस और योर क्यूटनेस? आवर क्यूटनेस। यू स्टूपिड, ये और बच्चा बच्चा केशव खा रहा है, खा गया ले गया, एक एक स्लाइस खा ली और इस साइड में खा रहा है। हाउ इज द सैंडविच? सो गाइज हम लोगों के साथ आ चुके हैं हिमांशु शर्मा, क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो उषा वो आ गई है, गीता वो आ गई है, और जो पता कल मेरा ऑफिस है, मतलब मेरा इवेंट है ना, तो मुझे कल 10:30 बजे निकलना पड़ेगा। सोचो जब आज सिस्टर के ऑफिस था, हाँ यार मेरा मतलब ऑफिस होता तो मैं देख लेती, लेकिन इवेंट रहा है तो इवेंट में तुमको जाना पड़ेगा, फ्री लोग ना, मैं मेहनत करती हूँ, कर्मठ। सो गाइस मेरा ऑफिस है और हिमो आज रुकेगा, और उषा वो रुकेगी नहीं, हो जाएंगी जाएगी, सो यार तो राखी भी 1 बजे की बात बनेगी, तो मतलब मैं 10 बजे निकलूंगी, तू तो चला जाएगा, मैं तेरे को राखी दे दूंगी, मुझे पैसे दे दियो, मैं तुझे राखी दूंगी, तू मुझे पैसे पैसे लेकर मैं जाऊंगी, ठीक है? या ओह यस, सो गाइस खुशी तुम दो लोग मिलके 4 लोगों को टाइटल दे सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइटल मांग रही है तुमसे, इन दोनों से मिलके हम चारों में एक डाइसन, डाइसन 40,000 का डाइसन, मैं तो कि तू मेरे को एक जो है एक कोठी दे दे। हम लोग आज खाना खाने बाहर गए थे, तो वहाँ पर उन लोगों ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्राउनी दी, कह रही मेरी क्यूटनेस देखी, उन लोगों ने मुझे ब्राउनी दी, होगा पैसे चुकाएगा। एक्सक्यूज मी, हम झूठ नहीं बोल रहे, तुझे ब्राउनी खिलाई है, वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिली है, ठीक है ना? झूठा कर देगा, झूठा। गाइज कुणाल ने पिछली राखी पे
सबको फोन पे कर देते राखी बनवाने के पास, राखी बनवाने के पास, राखी बनवाने के बाद उसने सबको फोन पे किए थे। और मैं, अगर मैंने आपको बता दिया, अगर ये मैंने आपको बता दिया कि उसने कितनी रकम फोन पे करी है, तो हो सकता है कि इनकम टैक्स वालों की रेट पड़ जाए। खुशी पूरे पूरे 11 रुपए, 11 रुपए उसने चारों बहनों को दे दिए। मतलब कुणाल इस बारे में देगा 21। तो यही बोलता है कुणाल मेरे में क्या बिठा है। तो ठीक है, फिर एक ही उधर राखी बांधने में क्या है? ओए कन्ने इन द नॉट कन्ने ओ गॉड स्टूपिड क्या है क्या कर दूं। हां भाई क्या गाइस, ये पिछली साल इसने पूरे 11 रुपए दिए थे। यो बॉडी 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 देखो, बॉडी बॉडी देखो। मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। क्यों क्यों क्यों? सो गाइस, लास्ट ईयर कुणाल ने पूरे पागल है। सुन ना कुणाल, चुप, सीधा सोचो, प्लीज। सो लास्ट ईयर कुणाल ने पूरे 11 रुपए फोन पे किया। आखिरी बार प्लीज बिहेव। बहुत मुश्किल से मेरे साइड में आके बैठा है, एक घंटे से मेरे से लड़ रहा है, मेरा हाथ भी दुख रहा है। गाइस देखो, लाउड एनवायरनमेंट, घड़ी ने भी हाथ जोड़ लिए। मेरे हाथ इतनी तेज हो रहा है, अभी तक हाथ दुख रहा है। मान जा मान जा मान जा मान जा मान जा बेहतर। गुड मॉर्निंग गाइस, राखी वाले दिन मेरे को जाना पड़ रहा है, सारे के सारे घर में है, इतना हल्ला आ रहा है। देखो मेरे को बैठने का मन कर रहा है इन लोगों के साथ, बट आई डोंट हैव टाइम, मेरी कैब नीचे वेट कर रही है। सुनो मैं आके राखी बांधूंगी, चलो ठीक है। वैसे आज सावन का लास्ट सोमवार है, लास्ट व्रत है। मैं जा रही हूँ पापा 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 मैं जा रही हूँ, मिस मत करना ठीक है। बाय पापा, बाय बाय। या मैं भी सोच जिस टाइम ऑफिस के लिए निकलती हूँ उसी टाइम आज निकली हूँ, आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। और गाइस मैं पहुँच गई हूँ, यहाँ पे प्रिपरेशन हो तो गई है। गाइस 7:38 हो रहे हैं रात के, और मैं अभी तक यहीं पर हूँ, अभी भी काम है। मैं इतनी थक रही हूँ यार। गाइस फाइनली डन। गाइस अभी बिल्कुल भी कैब नहीं हो रही ना, ऑलरेडी 8:30 बज रहे हैं। मेरा मेट्रो से जाने का बिल्कुल मन नहीं, बट मेट्रो से जाना पड़ेगा। सो गाइस मैंने ना लास्ट ट्राई किया था कि अगर अभी कैब नहीं हुई तो फिर मैं पक्का मेट्रो से जा रही हूँ। सो बाय चांस भगवान की दुआ से कैब हो गई, और फिर मैं कैब से आ गई। और उस टाइम, मतलब इस टाइम चूँकि थोड़ा लेट हो गया था, मुझे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। ऑलमोस्ट सब सो गए थे। मैं सबको उठा के राखी बांधी है, मैंने कहा यार राखी बंधवा लो प्लीज़, मुझे भी सोना है। सो गाइस यार कभी कल फिर भागना है। सो ये था मेरा व्लॉग, और राखी मेरी लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से मेरा इवेंट था, ऐसी ही राखी बनी थी, इस बार भी ऐसे ही बनी है। यस आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।